तमसा के किनारे पहुंचकर रात्रि का समय हो गया। श्री राम जी ने सोचा कि अब ये साथ में चलेंगे तो दुखी होंगे, इसलिए आज की रात का विश्राम यहीं पर रहेगा। तो तमसा के किनारे श्री राम जी, रात्रि का समय है, बालों पर युगल सरकार सोते हैं सीताराम जी। किसी ने भजन गाया है ना कि दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी संसार में दुख आता है। आज पहली बार बालू पर शयन करते हैं सियाराम जी, और सिराना किसका लेते हैं? तकिए का नहीं, नहीं मुलायम वाला पत्थर का तकिया लगाया हुआ है, और श्री प्रभु विश्राम कर रहे हैं बालू पर। इसीलिए संसार के लोगों, संसार तो कर्म की भूमि है, यहाँ सुख कम है और दुख ही ज्यादा है। सीताराम जी सो रहे हैं, आसपास लोग घेरा बना करके सो गए। लक्ष्मण लाल जी रोने लगे कि मेरी माँ केकई का क्या बिगाड़ा था मेरे भैया ने, जो बालू पर मेरे भैया भाभी को सोना पड़ रहा। श्री राम जी ने आवाज सुन ली, उठ करके आए, सीता जी भी आई और लक्ष्मण लाल जी से कहा। राम जी ने कि लक्ष्मण, रघुवंश का हमारा जो रघुवंश है, यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने बड़ी बड़ी परीक्षा दी है, इसलिए हंसते हुए परीक्षा देना है, रोते हुए नहीं। इसलिए रोने का समय नहीं है, ये कर्तव्य पालन का समय है, इसलिए तुम चुप रहो, समय अवधि अति शीघ्र बीत जाएगी। और श्री राम जी ने सुमन जी से कहा कि तात, रात्रि के समय में ही हमें रथ में बैठा के कहीं दूर छोड़ करके आ जाओ, और रथ को इस तरह चलाना है कि रथ के पहियों के चिन्ह जमीन पर बनना नहीं चाहिए, क्योंकि अयोध्या के लोग उठेंगे सुबह तो चिन्ह को देख करके पीछे पीछे आ जाएंगे, इसीलिए मेरी प्रार्थना है। सुमन जी ने कहा ठीक है। तीनों को रथ में बैठाया और सुमन जी ने उसी तरह रथ चलाया कि रथ के पहियों के चिन्ह नहीं बने हैं, और प्रातः काल तक श्री राम जी पहुंच जाते कहां पर? श्रृंगवेरपुर में। तो यहाँ पर जैसे श्री राम जी रथ से उतरे तो भील समाज के श्री निषाद महाराज जी ने देखा कि जब इनके विद्वान लोगों पर परछाई गिरे तो डबल डबल स्नान करते हैं, तो उनके भगवान तो और ज्यादा व्याई होंगे, तो इसीलिए श्री राम जी को भगवान तो मान रहे पर दूर से प्रणाम कर रहे कि पास से जाएंगे तो उन्हें अपवित्रता का डर है, तो दूर से प्रणाम जैसे श्री राम जी को किया तो श्री राम जी दौड़ करके आए और निषाद महाराज जी को उठा करके गले से लगा लिया। बोले भैया, अयोध्या से महल को छोड़ करके मैं तुम्ही लोगों के लिए तो आया हूँ, मैं तो जन जन को अपनाने के लिए आया हूँ। तो श्री राम जी ने निषाद महाराज जी को गले लगाया तो निषाद महाराज जी के आंख में आंसू आ गए कि धन्य है मेरे प्रभु, आप कितने सरल हो, लोगों ने ऐसे ही आपको कठिन बना दिया है, आप तो भाव के भूखे हो। अब निषाद महाराज जी ने कुसा की चटाई बिछाई, श्री राम जी को बैठाया, जल पिलाया, फल दिया, साथ में सीता जी भी, लक्ष्मण लाल जी भी है। निषाद महाराज जी ने कहा प्रभु आप तो यहीं पर रुकिए, आज की रात आपको रुकना पड़ेगा। तो श्री राम जी ने कहा क्यों, मुझे तो जल्दी ही जाने की। तो श्री निषाद महाराज जी ने कहा कि प्रभु हमें नहीं पता था कि संपूर्ण जगत का ईश्वर इस तरह सबको गले लगाता है, हमें पहले पता रहता तो मेरे जितने भी साथी हैं, परिवार के लोग हैं, मैं सबको बुला करके रखता, क्योंकि हमसे भक्ति नहीं होगी प्रभु, हम तो लूटपाट करते, लोगों को मारना जानते हैं, भक्ति कब करें, इसलिए डायरेक्ट हमको गले लगा करके आप उद्धार कर देते, पर हमें नहीं पता था बाकी लोग तो शिकार करने चले गए, मैं अकेला हूँ प्रभु, तो शाम के समय वो आ जाएंगे तो आप सबको दर्शन करके कृतार्थ करके उद्धार करके कल चले जाना। तो श्री राम जी का ठीक है। अब वहां पर वट वृक्ष के नीचे श्री राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण लाल जी, सीता जी सभी हैं, और उसी समय रात्रि का समय हुआ। इधर तमसा के किनारे जितने भी अयोध्या के लोग थे वो उठ करके पागल की तरह रो रहे हैं कि कहां गए श्री राम, कहां गए श्री राम, और रथ के पहियों के चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहे कि उसके पीछे पीछे चले जाए। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अयोध्या के लोगों आप क्यों रो रहे हो? बोले श्री राम जी छोड़ करके चले गए। बोले बताओ क्यों छोड़ करके चले गए? बोले क्यों? बोले घर से तो आए थे बड़ी बड़ी डींग हाँक करके कि घर जले, संपत्ति जले, पर हमें तो श्री राम जी के साथ जाना है, तो घर से तो सब कुछ छोड़ करके आ गए श्री राम के लिए यहाँ पर, लेकिन यह तमसा के किनारे आकर के नींद को नहीं छोड़ पाए और सो गए, इसलिए श्री राम जी सोते हुए को छोड़ करके चले गए। अब ये नींद इतनी खराब है कि घर से भले आ जाओ, कथा सुनने जा रहे, कथा सुनने जा रहे, पर ये पांडाल में भी आ जाते हैं, इसको बिस्तर लगाने की जरूरत नहीं है कि बढ़िया गद्दा मिलेगा तभी आएगा।
बढ़िया सुविधा में नहीं आते हैं, असुविधा में ये ज्यादा आते हैं। तो नींद से पीछा छुड़वाना बड़ी मुसीबत मुश्किल का काम है। ये तो पंडाल में भी आ जाएगी, भैया खटिया भले छोड़, तो तेरे साथ कथा में भी चल जाऊं और वहां भी आ जाऊं तो सुन नहीं तो जा। बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही कि नींद पर गए विजय पाल तब श्री राम मिलेंगे। तो अयोध्या के लोग तो लौट करके चले गए। इधर रात्रि में श्री राम जी कुसा की चटाई पर निषाद महाराज जी सेवा कर रहे हैं, सीता जी राम जी सो रहे हैं। लक्ष्मण लाल जी और निषाद महाराज जी का बहुत बड़ा ज्ञान का संवाद चल रहा है और गंगा के जितने भी नाविक है, केवट लोग है, नाव से पार करने वाले, वो सब अपने अपने नैया को तैयार कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि जिसकी नैया सबसे सुंदर होगी ना उसमें ही कल श्री राम जी आएंगे। तो सारे लोग कंपटीशन में लगे हुए, कोई फूल लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, लेकिन एक गरीब केवट नितांत गरीब है, अपनी कुटिया में बैठ करके रो रहा है। पत्नी ने पूछा तो हर दिमाग खराब है, आज तो सब लोग नाच रहे हैं और तू रो रहा है बैठ करके। तो उस केवट जी ने कहा कि देवी आज तक मैंने कभी भी अपनी गरीबी पर मैं नाराज नहीं हुआ भगवान से कि गरीब बनाया ठीक है मेरा कर्म था बन गया, लेकिन आज मैं अपनी इस गरीबी पर इस दरिद्रता पर मुझे बहुत दुख होता है। आज अगर हमारे पास भी कुछ होता तो कम से कम हम भी दो पुष्प खरीद के नाव को सजाते, शायद कल के कंपटीशन में हमारी नैया का नंबर आ जाता। तो पत्नी ने कहा कि पागल हो गए हो क्या, श्री राम तो ब्रह्मदर्शी है, साक्षात ईश्वर है और वो तो भाव को देखते है, वो इसमें भाग थोड़ी लेंगे। तो केवट जी ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, श्री राम तो ईश्वर है, लेकिन है ना उनके साथ में जो उनके छोटे भैया है ना वो बहुत ज्यादा चटकीले हैं, वो हमारी टूटी नैया में बैठने देंगे क्या, इतने अच्छी अच्छी नाव में बैठे छोड़ करके हमारी नैया में नहीं आने देंगे, पर चलो उनकी भी चिंता मैं छोड़ दूं। तो निषाद महाराज राजा है और राजा राजा की नाव में बैठाएगा कि हमारे जैसी टूटी फूटी नाव में बैठाएगा। गोल भीलों के राजा निषाद महाराज तो मना भी कर सकते। पत्नी ने कहा अच्छा ठीक है, रोएंगे तो कल देखा जाएगा, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो रोया करेंगे, लेकिन पागल आज तो युगल सरकार कुसा की चटाई पर शयन कर रहे हैं, तो आज तो कम से कम सारे लोगों के साथ दर्शन कर लो, रोना होगा तो कल रोना ही रहेगा लेकिन आज तो दर्शन कर लो। का ठीक है। अब केवट महाराज जी जैसे आए तो निषाद महाराज जी और लक्ष्मण लाल जी का जो गूढ़ रहस्य था वो इन्होंने पेड़ के आर से सुन लिया। केवट जी को अब तो जोश आ गया, बोले मेरा काम बन गया है। आज रात्रि में निषाद महाराज जी कुटिया में कुछ लेने के लिए जाते हैं तो केवट जी सामने प्रकट हो गए। बोले महाराज महाराज मैं मेरे दो वरदान मांगने आया हूँ। कैसे? बोले मेरे वरदान है आपके पास में, आप शिकार करने आए थे? बोले हाँ। आपके पास जल नहीं था? बोले हाँ। मैंने आपको पिलाया था? बोले हाँ। आपने दो वरदान देने को कहा था? बोले हाँ। तो मैंने नहीं मांगे थे ना उस टाइम पे? बोले नहीं मांगे। बोले आज मांगने आया। बोले आज तो दो की बजाय चार मांग लो। निषाद महाराज जी ने कहा चार नहीं, मुझे तो मेरा दो ही वाला चाहिए। क्या दो वरदान? पहला वरदान तो ये कि कल गंगा के किनारे मेरी नाव को छोड़ करके किसी भी केवट की नैया गंगा के किनारे नहीं होना चाहिए। अब देखो रह गए कंपटीशन वाले सब, भगवान प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते हैं, भगवान तो भाव में भाग लेते हैं, केवट जीत जाता है। अब ये राजा है, राजा घोषणा कर दे तो किसकी हिम्मत के वह नाव लेकर के जाए, ये खुद भी लट गए, इनकी नाव भी सज रही थी। बोले भैया ठीक है मैं वचन देता हूँ, दूसरा मांगो। बोले दूसरा ये है कि कल उन पढ़े लिखे बबुआ जी से हम अपन गांव की भाषा में हमारा जोन जोन मन पड़ेगा वैसी वैसी बतिया हम करेंगे, तो आप बीच में बिल्कुल टांग नहीं अड़ाओगे। बोलो मंजूर है। अब राजा है डांट सकते। बोले हाँ वरदान दे। प्रातः काल हुआ, श्री राम जी ने दूध मंगवाया बड़का और शीश पर जटा बनाई, सुमन जी को जैसे तैसे विदा किया और श्री राम जी पहुंचे गंगा के किनारे। तो जिस गंगा जी के किनारे नाव की इतनी भीड़ लगी थी, आज एक भी नाव गंगा के किनारे नहीं है, केवल एक केवट जो नैया लेकर के खड़ा है और वो भी उधर मुंह करके खड़ा है, इधर नहीं देख रहा है और नाव को आराम से अकड़ के खड़ा है। श्री राम जी पीछे से आवाज लगाई कि ओ भैया जरा अपनी नैया को लेकर के आओ और हमें बैठा करके पार कर दो। मांगी नाव ना की बटुआ
तो केवट जी पास में आकर कहने लगे कि हम आ तो जाएंगे लेकिन हम अपन नैया आपको नहीं देंगे। तो लक्ष्मण लाल जी का बेचारा अनपढ़ गंवारे, दिखने में एक अक्षर पढ़ा नहीं है, इसको पता नहीं है कि तेरे द्वार पे कौन मांगने आया है, तो थोड़ा इसमें परिचय दे दे। तो श्री लक्ष्मण लाल जी कुछ बोले, उसे पहले ही केवट जी ने दूसरा दावा ठोक दिया, बोले मैं अपनी नैया आपको नहीं दूंगा क्योंकि मैं भगवान जी हम तुम्हार मर्म अच्छी तरह से जानित है, हम आपके मर्म को जानते हैं, इसलिए नैया को नहीं देंगे। अब लक्ष्मण लाल जी कान खड़े हो गए कि हे भगवान, जन्म मैंने साथ में लिया है, बाल लीला मैंने इनके साथ किए, विवाह भी मेरा साथ में हुआ है, साथ साथ में रहे हैं, आज तक मैं इनका मर्म नहीं जान पाया, पूरे पहली बार मिला हूँ, डायरेक्ट सीधे कह रहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। तो लक्ष्मण लाल जी को गुस्सा है, सीता जी भी नाराज हुई, राम जी का इस पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम दोनों का ही चेला। बोले हमारा कैसे हुआ? तो बोले देखो लक्ष्मण, ऐसा है कि अयोध्या में मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें वन में नहीं चलना है, तो तुमने क्या कहा? नहीं मुझे तो वन में जाना है। सीता तुमसे कहा वन में नहीं जाना, तुमने कहा नहीं मुझे जाना है। तो मुझे ना कहने की परंपरा तो तुम दोनों ने शुरू की है ना, तो यहाँ गंगा के किनारे ये भी मना करा कि मुझे नाव को नहीं देना है। अब जैसे दुकान में सुबह सुबह उधार लेने चले जाओ तो दुकान वाला माथा ठोकेगा ना कि भैया सुबह उधार लेने आ गए तो दिन भर उधारी का ही सामना करना पड़ेगा। तो श्री राम जी ने कहा कि बोनी बट्टा, जिस तरह सुबह सुबह गड़बड़ होता है वैसे तुम ही लोगों ने तो महल से मना कहने के लिए मना कर दिया, तो अब जितने भी मिलेंगे सब मनाही वाले मिलेंगे। तो सीता जी और लक्ष्मण लाल जी ने कहा ये बात तो सही है कि हमने आपकी बात नहीं मानी। अब श्री राम जी से केवट ने कहा महाराज ऐसा, राम जी का बताओ क्या मर्म जानते हो? बोले मर्म ये है कि आपके चरणों की जो रज है वो बहुत जादू वाली है। क्या जादू वाली है? बोले लकड़ी पत्थर पर गिरी, नारी प्रकट हुई और आकाश में उड़ गई। तो महाराज पत्थर से ज्यादा कोमल तो लकड़ी होती है, इससे इस पर अगर चरण रज गिरी, नारी प्रकट हो गई और आकाश में उड़ गई तो हमारी जीविका कैसे चलेगी? चार ठू बाल गोपाल है, पालन पोषण कर बाटे, इसलिए हम अपन नहीं आपको नहीं देंगे। हाँ चलो ठीक है, नैया नहीं है तो हम आपको अपनी नैया दे भी देंगे आपको, पर एक शर्त पर, आपको अपने चरणों को धुलवाना पड़ेगा और उसके बाद में नाव पर चढ़ा सकते। पर सुनिए, ये गरज आपको है, मांगने आप आए हो हमारे द्वार पर, हम आपके पास में नहीं आए, इसलिए आगे रह करके आदर सहित कहो कि केवट जल लाओ, चरण को धुलो, तो ही मैं आपको अपनी नैया पर चढ़ाऊंगा, नहीं तो हमें कोई गरज नहीं है आपके चरण धुलने की। अब तो श्री राम जी इतना खिलखिला करके हंसे है, लक्ष्मण लाल जी जानकी जी की तरफ बार बार देखे जा रहे हो, हंस रहे हैं। लक्ष्मण लाल जी बार बार बोल रहे कि क्यों इसकी इतनी मनवार कर रहे हो, दूसरी नैया को बुलवा करके पार हो जाएंगे। पर राम जी बोल नहीं रहे, लक्ष्मण लाल जी की तरफ देख के हंसे जा रहे। लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि बोल तो नहीं रहे, खाली हंसे जा रहे, देखे जा रहे, हंसे जा रहे, देखे जा रहे, हंसे जा रहे, क्या बात है, मेरे चेहरे पे कुछ गड़बड़ है क्या? लक्ष्मण लाल जी का इतना काय हंस रहे हो? तो श्री राम जी का भैया मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इसको देख करके याद करो कि ये है कौन, कौन है? बोले पूर्व जन्म में ये कछुआ है वही वाला, कौन सा? जिसको तुम लोगों ने दोनों ने बार बार आने नहीं दिया था, ये मेरे चरण को छूना चाह रहा था क्षीर सागर में, और लक्ष्मी तुमने शेष की तरफ इशारा किया, शेष बार बार फुकार मारता है, ये बेचारा फिर नीचे गिर जाता, फिर चरण छूने आता, लक्ष्मी तुम फिर इशारा कर देती हो, शेष जी फिर फुकार के फेंक देते हैं, तो ये मेरे चरण के वियोग में मरा था, तो मैंने कहा था कि अगली बार तुम्हारी बारी है, तो आज तुम दोनों भी खड़े हो और ये कछुआ ही केवट बना है, और आज तुम्हारे सामने ये तुम तो क्या है, मुझे भी भगा सकता है, इतना पलड़ा इसका भारी है। बोले वो कैसे? बोले इसके जो सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, ये भले ही ऊपर से अटपटी बानी बोल रहा है लेकिन इसके अंदर बहुत प्रेम भरा है और प्रेम का सागर में पार नहीं कर सकता। तो श्री केवट जी, लक्ष्मण लाल जी, सीता जी हंसने लगते हैं। अब राम जी का कि चलो ठीक है, तुम जल लेकर के आओ और चरण को धुल के बैठा दो। तो केवट जी ने कहा कि आप बिल्कुल सीधी सीधी भाषा बोलो, हमको ऐसा ना पढ़े लिखे तो है नहीं, इसलिए वीआईपी भाषा हमारी समझ में ना आए थे। तो श्री राम जी का अच्छा ठीक है, जल को लाओ, चरण को धुलो और नैया पर चढ़ा दो, मंजूर है। अब इधर सारे कोल भील कहते कि इसका दिमाग कितना ज्यादा खराब हो गया है, श्री राम जी कहाँ मना कर रहे हैं, जल लेकर के चरण धुलो, फटाफट बैठा पार करो, बार बार कह रहे आगे रह के कहो, आगे रह के कहो। केवट जी का पागलो, तुम लोग
लोगों की खोपड़ी गड़बड़ है। अरे एरे गेरे नथु करे के चरण नहीं है, इन चरणों को पाने के लिए बहुत भक्ति का बैलेंस चाहिए, तब जाकर के चरण अधिकार से मांग सकते। यहाँ तो दिन भर गंगा के किनारे इधर उधर मछली मारत इधर उधर उधर बीता है, भक्ति का की जो इन चरण को मांग ले। यहाँ तो उनकी मर्जी से अगर दे दे तो काम बन जाए। केवट जी प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है महाराज, और जल लेने चरण धुलना है। सुन करके केवट जी उधर भागते हैं। लक्ष्मण लाल जी कह रहे उधर का, इधर आओ गंगा जी, ये है जल, यहाँ है, उधर का जा रहे हो। तो वापस पलट करके आते, बोले छोटके सरकार पढ़े लिखे तो लगते हो लेकिन बुद्धि नहीं आप। बोले काहे? बोले आप नहीं जानते हो कि कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी के हुआ है क्या? मेरी पत्नी घर पे, उसको बुला के लाऊंगा तब ना चरण धुलूंगा। लक्ष्मण लाल जी का सजा, अब ये दौड़ करके गया पत्नी के सामने, कह रहा अपना भाग्य जग गया, जल्दी जल्दी चलो। कहाँ चले? बोले कठोता लेकर के। तो नाव में पानी भर जाता है, उस पानी को बाहर करता है, एक लकड़ी का कठोता इसके पास था, उसको उठा करके चलने लगा। इसमें चरण धुलोगे? बोले हाँ। पत्नी इनका तो हर दिमाग खराब हो गया है, लोग चांदी सोने में इनके पात्र में इनके चरण धुलते, तुम लकड़ी के कठोते में धुलोगे? तो केवट ने कहा पागल, वो सब बेवकूफ है जो धोते हैं। अरे पगली, वैसे तो इनकी माँ ने धातु का स्पर्श करना 14 वर्ष के लिए मना किया है, और बाई चांस मेरे लिए कभी कर भी ले तो भी मैं नहीं धुलूंगा। क्यों? क्योंकि सोने चांदी के पात्र में चरण धुलने के बाद, चरणामृत बटने के बाद वो पात्र सूख जाएगा, और लकड़ी के कठोते में तुम्हें क्या लग रहा है मैं जल्दी जल्दी धुलूंगा? मैं बिल्कुल आराम से चरण को धुलूंगा, ताकि वो जल, लकड़ी तो जल को सींचती है, तो जल में बिल्कुल सराबोर हो जाएगी, सींच लेगी, उसके बाद मैं चरणामृत बांट दूंगा, और उसके बाद उसी लकड़ी के कठोते में पागल 8 दिन तक आटा सांत सांत करके रोटी बना बना करके खाएंगे, तो बहुत लंबे टाइम तक श्री प्रभु का चरणामृत मिल जाएगा, इसीलिए लकड़ी का कठोता लेकर के चल रहा हूं। बोले ठीक है। अब पत्नी सहित आया, जल भरा गंगा जी का, और राम जी को बैठने नहीं दिया, कहा खड़े हो, चरण खड़े खड़े धोता, मेरी स्टाइल अलग है। राम जी खड़े हुए, एक चरण कठोते में रखा और उसको धोए जा रहा है। लक्ष्मण लाल जी का कि एक ही को धुलोगे कि दूसरा भी धुलोगे? तो केवट जी का देखिए छोटके सरकार ज्यादा बीच में बोलना नहीं है, ये हमारा घाट है और हमारे हिसाब से सब काम चलेगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? श्री राम जी का कि भैया तू चरण धुले जा रहा है तो मुझे एक पैर पे, मैं बहुत देर से खड़ा हूँ तो मैं डोल रहा हूँ, मुझे गिरने का डर है, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। तो केवट जी ने ऊंची नजर करके देखा, बोला अच्छा, हम तो सोचे कि हम संसार के ही लोगों को गिरने का डर है, पर आप भी गिरने से डरते हो, कोई बात नहीं, दोनों हाथ हमारे मस्तक पर रख दो और हम आपका बैलेंस बन जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो श्री केवट जी के मस्तक पर तो रघुनंदन ने हाथ रखे, और हाथ में केवट जी के श्री राम जी के चरण है, और बड़े प्रेम से श्री केवट महाराज जी प्रभु के चरण को धूल रहे हैं। अब श्री राम जी को बैठाया, पेड़ से पत्ता तोड़ के लाया, दोना बनाया, चरणामृत रखी, और सारे लोगों का लाइन में लगो, चरणामृत लेना है। सीता जी ने कहा लक्ष्मण लाल से कि भैया अगर चरणामृत लेना है तो लाइन में लग जाए। तो लक्ष्मण लाल जी ने कहा रे भाभी, हम रघुवंशी लोग हैं क्या, अरे गिरे हैं जो चाहे जहाँ हाथ फैलाएंगे। तो श्री सीता जी का रहने दो, बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, मांगीलाल तो आपके भाई साहब ही बन गए हैं, इसके द्वार पे ये मांगने आए थे कि ये मांगने आए थे, इसलिए या तो लाइन में लग जाओ नहीं तो केवट एक नंबर का एबला है, चरणामृत देगा नहीं ऐसे। लक्ष्मण लाल जी का ये तो एक नंबर का खराब है, बिना लाइन में लगे देगा नहीं। लाइन में खड़े हुए चरणामृत बटा, और अब नाव को छोड़ा है श्री केवट जी ने। श्री राम जी से पूछा कि प्रभु ये बताओ कि पहले नंबर पर आए यात्रियों को पहले पार करना चाहिए कि बाद वाले को पहले पार करना चाहिए? श्री राम जी का मतलब, केवट जी का हम मतलब नहीं जानते, आप तो हमारा मतलब बताओ कि पहले किसको पार करना चाहिए, पहले यात्री को कि बाद वाले यात्री को? तो श्री केवट जी से राम जी ने कहा कि भैया जो पहले यात्री लोग आए उन्हें पहले पार करना चाहिए, जो बाद में उन्हें बाद में करना चाहिए। तो श्री केवट जी ने कहा कि प्रभु आपको सारे, और श्री केवट महाराज जी ने संपूर्ण पूर्वज परिवार को पार किया है, धन्य केवट महाराज जी जिन्होंने अपने वंशजों को भी पार किया है। केवट जी ने कहा कि पुराने यात्री मेरे पूर्वज है प्रभु, जो बहुत दिन से लाइन लगा करके खड़े है, इन्हें आपके विद्वान लोग कोई भी पार नहीं कर पाया, यहाँ तक ये गंगा ने भी इन्हें पार नहीं
नहीं किया है, तो पूर्वजों को पहले पार करो। श्री प्रभु ने उन्हें पार करवाया और अब नाव में श्री राम जी ने सीता जी को पहले बैठाया, फिर श्री राम जी बैठे, लक्ष्मण लाल जी बैठे और श्री केवट महाराज जी नाव को चलाने लगे। थोड़ा दूर ले जाए, वापस लेकर के आए तो श्री लक्ष्मण लाल जी का, भैया पूछो तो अब क्या काम है इसको, ये इधर उसे उधर क्यों भगा रहा है। तो श्री केवट जी का, देखिए प्रभु ऐसा है कि आपके पिताजी ने आपको वन में भेज दिया है ना। बोले हाँ। घर से निकाल दिया ना। बोले हाँ। तो बोले फिर 14 वर्ष मेरी नाव में बैठ करके बिता लीजिए, आपको क्या कष्ट है चलाना, मुझे पड़ेगा मेहनत, मुझे पड़ेगा, बैठे रहिए नाव में। राम जी का, भैया तेरे हाथ जोड़े, बहुत देर से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, अयोध्या के लोग आ जाएंगे, इसलिए मुझे जाने दो। तो पीर थोड़ी दूर ले जाओ, गोल गोल घुमाए लेकिन चलाए सीधे नहीं। तो राम जी का ई काओ करते, गोल गोल काहे घुमा रहे हो। तो केवट जी ने कहा कि मेरी नैया, मेरा मन और मेरी पतवार, मेरा मन पड़े तो गोल घुमाओ, मेरा मन पड़े तो सीधे घुमाओ, आपको पार जाना है तो पार कर दूंगा। तो राम जी का, भैया गोल गोल घुमा रहे हो ना तो मुझे चक्कर आ रहा है। तो श्री केवट जी ने कहा अच्छा, गंगा जी के 2-4 चक्कर लगवा दे तो आपको चक्कर आ रहे हैं, और आप हमें 84 लाख होने के चक्कर लगवाते हो तो हमने तो कभी आपसे शिकायत नहीं की कि हमें चक्कर आ रहा है। लक्ष्मण लाल जी का, राम जी का, लक्ष्मण इससे बोलना ही नहीं, इसका जैसा मन पड़े वैसा इसको करने दो, हमें तो पार जाना है, छोड़ देगा। केवट महाराज जी गुनगुनाते हुए नैया को लेकर के जा रहे हैं। मेरी नैया